हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल कसा काइपुने। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज मैं आई हूँ ये कैंप का गोलीबर मैदान में, यहाँ का फिश एक्वेरियम टनल देखने के लिए। तो मैंने इस जगह के बारे में बहुत सारे सुना है और काफी सारा वीडियोस भी देखा है। तो सब लोग ये जगह का एक्वेरियम टनल को दुबई एक्वेरियम टनल के साथ कंपेयर किया, वीडियो बनाया। तो आज मैं वही चीज एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या कैसे बनाया ये एक्वेरियम टनल और क्या ये सच में दुबई एक्वेरियम टनल के साथ बोलते हैं ना कितना कंपैरिजन में आता है। तो वो सब चीज जानने के लिए ये वीडियो लेके मैं आई हूँ आप सबके साथ। तो अच्छा, इसके पहले मैंने एक एचए ग्राउंड का एक्वेरियम टनल का वीडियो शेयर किया। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि एचए ग्राउंड वाला एक्वेरियम टनल अच्छा है या गोलीबार मैदान वाला एक्वेरियम टनल अच्छा है। तो कौन ज्यादा अच्छे से बनाया, पिंपरी वालों ने या पूना वाले ने, तो चलो देखते रहो। अच्छा, तो 100 रूपये से टिकट लेने के बाद मैं तो रेडी हो गया एक्वेरियम टनल के अंदर घुसने के लिए। और यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड को मैंने पूछा कि 100 रूपये में शार्क देखने को भी मिलेगा क्या भैया। तो उनका जवाब कुछ ऐसा आया, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। तो टिकट लेके बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ अंदर मैं पहुंच चुकी हूँ। और फिर मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि मन में लड्डू फूटा। एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा था पर रियलिटी। तो फिर सोचा जब 100 रूपये दे के अंदर आ ही गई हूँ तो देख लेते हैं, क्योंकि निकलने का तो कोई रास्ता नहीं था। पर आप देख सकते हो कि ये फिश टैंक, ये सिर्फ ये नहीं, सारा का सारा फिश टैंक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदा था। लगता है ये लोगों ने मतलब जिंदगी में कभी उसको साफ नहीं किया। क्यों भाई, 100 रूपये करके तो आप डेली मतलब हर एक पर्सन से टिकट लेते हो और पता नहीं कितना कमाते हो, पर एक दिन एटलीस्ट एक दो दिन बंद करके थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पैरट फिश है और ये फिश दिखने में बहुत अच्छा लगा। अगर ये साफ सुथरा होता ना तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आप देखो कि कितना हेजी आ रहा है, कितना अनक्लियर है। मतलब जिंदगी में नहीं लगता कि इन लोगों ने लगाने के बाद यहाँ का पानी को कभी भी साफ किया है। और यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी उतना अच्छा नहीं है, सिक्योरिटी मेंटेनेंस तो बहुत ही खराब है। लोग आराम से ग्लासेस के ऊपर हाथ दे रहे हैं, बच्चे लोग बोलते हैं ना ये ग्लासेस के ऊपर मार रहा है, देख रहा है। पर हाँ, यहाँ का फिशेस का वेराइटी बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये एकदम ही अच्छा नहीं था। इनफैक्ट यहाँ से काफी गुना ज्यादा हमारा एचए ग्राउंड में जो बनाया वो काफी ज्यादा अच्छा था। पर फिर भी देखो भीड़ बहुत है, फिशेस इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा रखा है। यहाँ पे देखो सिल्वर शार्क फिश बोल के मतलब ये जो रखा है, पर आप लोग देख नहीं सकते हो, मतलब इतना हेजी वॉटर है। और पिक्चर्स तो सारा मतलब इतना गंदा आ रहा है ना, मैं क्या बोलू, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। पर फिर भी लोग बोलते है ना क्रेज के लिए यहाँ पे आया है, ये जगह को देख रहा था। पर प्लीज मैं इन लोगों के को एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आई थिंक ये अभी फरवरी के 15 तक चलेगा, राइट। तो अभी भी एक महीना है, तो प्लीज क्यों आप लोग ये टैंक को, ये सारा बोलते हैं ना जब लोग आते हैं लोग देखते हैं तो थोड़ा बहुत तो हाइजीनिक वे में मेंटेन करो। ये देखो ये ज़ेब्रा फिश है, कुछ कुछ देख के आपको पता नहीं चलेगा, इतना इतना हेजी है पानी, इतना गंदा है, उसमें फिश गट जो भी खाना वगैरह फिशेस को दिया है सब पड़ा हुआ है। मतलब इन लोगों ने कभी जिंदगी में साफ नहीं किया। हाँ, यहाँ पे देखो पिराना व्हाइट फिश, शायद यही थोड़ा बहुत मतलब साफ सुथरा लगा, क्योंकि फिर भी पिराना समझ में आ रहा है। बाकी जगह में तो रत्ती भर भी मतलब जो ऊपर लिखा है और अंदर क्या फिश है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे ये आपको पता है क्या है क्या फिश है, फिर ऊपर मैंने जब पढ़ा तो देखा समझ में आया कि ये कैट फिश है, इतना हेजी है। यहाँ पे देखो रेड फायर फिश बोल के भी कुछ है, इसका भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टैंक मतलब 90-95% टैंक बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा है। तो सच बताओ तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ। तो ये एक जगह है, यहाँ पे इन्होंने बेसिकली शार्क को रखा है, जो बड़ा बड़ा शार्क है ना यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट दोनों किस्म के इन्होंने शार्क रखा है। लेकिन आप जस्ट देखो मतलब इतना हेजी है, यहाँ पे खड़े होके आपको समझ में आ रहा है कि ये व्हाइट शार्क है और एक सेक्शन है ब्लैक शार्क है। ये जो इन लोगों ने ये सेक्शन बनाया, ये मैंने एचए ग्राउंड पे नहीं देखा है। लेकिन भैया अगर आप बनाया भी हो तो थोड़ा बहुत तो मेंटेन करो। वो देखो ऊपर लिखा हुआ था ब्लैक शार्क, आपको समझ में आ रहा है
कुछ, पानी इतना गंदा है, इतना हेजी है, कहाँ जाता है ये लोग जो पैसा कमा रहा है तो कहाँ जाता है यार। थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस पे खर्चा करो और थोड़ा बहुत तो अपना सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइफ पॉन्ड इन्होंने रखा है, कॉन्सेप्ट लेकिन अच्छा है, फिशेस भी है, लेकिन वही कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। बच्चे लोग देखो देखो कितना पास चला गया, हाँ जबकि डूबने का कोई चांस नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग तो मतलब आराम से हाथ डाल रहा है, ऐसा लग रहा है कि फिश निकाल के घर लेके जाएगा। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, मतलब बनाए हो ऐसे करके, आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हो, आप लोगों को बोल रहे हो आने के लिए, देखने के लिए, तो ये दिखा रहे हो आप। तो प्लीज प्लीज आप लोग थोड़ा तो बहुत यार मेंटेन तो करो चीजों को, बनाना इज नॉट सफिशियंट। अच्छा ये है फाइनली जो बोलते हैं ना एक्वेरियम टनल, जिसका इतना बड़ा क्रेज है। और ये देखो देखो भाई साहब, यहाँ पे वो बोलते हैं ना सारा कलरफुल फुल जो फिशेस है, यहाँ का एक्वेरियम टनल इतना गंदा है मैं क्या बताऊं। मैं इस वीडियो में कुछ एचए ग्राउंड का भी एक्वेरियम टनल का क्लिपिंग्स डालूंगी, तो फिर आप लोग खुद कंपेयर करना। ऊपर से पता है ये जगह का एसी भी एकदम ठीक से नहीं चल रहा था, क्योंकि ये अपने अंडर ग्राउंड बनाया, यहाँ पे जगह कम है, स्पेस कम है, ऊपर से इतना सारा लोग है, तो ये टनल में थोड़ा एसी का तो ठीक से इंतजाम कीजिए। बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा आपको, यहाँ पे लिटरली सफोकेशन लगेगा। ये देखो एक भी फिश, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि क्या है नहीं है फिशेस का। लेकिन मैंने बोला ना बहुत सारा वैरायटी है, लेकिन पानी तो मतलब क्या बोलूं भाई साहब, लगता है जब से इन्होंने इंस्टॉल किया है उसके बाद से एक दिन भी इन्होंने ये जगह का साफ नहीं किया है। देखो और पता नहीं जो लोग मतलब खड़े होके वीडियो कर रहे हैं, फोटो कर रहे हैं, कुछ लोग तो सेल्फी ले रहा है, मतलब कैसा क्यों ले रहे हो, तो कोई इनको जाके क्यों नहीं एक बार बोलते हो कि, मैं तो अपने वीडियो के थ्रू लोगों को यही बोलूंगी कि मतलब आप लोग सोच समझ के ही जाओ। हाँ अगर पूना और पिंपरी का कंपेयर किया जाएगा तो मैं फिर भी बोलूंगी एचए ग्राउंड इज मच मच बेटर, वहां का जगह भी काफी अच्छा है, काफी स्पेशियस है, एसी भी अंदर का काफी ठीक ठाक है, भीड़ भी होता है ना तो वो लोग अच्छे से क्राउड को संभाल पाते हैं, इनके तरह नहीं। मतलब ये छोटा सा टनल में आपको बिना एसी का कैसा अजीब सा लगेगा, वो भी अभी तो विंटर के महीना चल रहा है, तो फरवरी में ही आपको इतना गर्मी लगेगा, और फरवरी का 15 तक बोलते हैं ये लोग रखेंगे। तो ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, तो प्लीज आप लोग भी शेयर करो। आप ये पिंपरी का एचए ग्राउंड का एक्वा टनल है जो काफी अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है, साफ सुथरा भी है, और यहाँ का एसी भी अच्छा है। हाँ ये तो फाइनली मैं टनल से निकल गई हूँ, और ये है कुछ आप देख रहे हो ना बाहर की मेला वाला पार्ट। इनका मेला भी उतना कुछ खास नहीं है, स्टॉल्स का भी उतना कुछ वेरिएशन कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम स्टॉल्स है, खाने पीने का भी मुझे उतना क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं लगा, वैरायटी भी नहीं है, तो मेरा तो एकदम मूड खराब हो गया यहाँ पे आके। तो मैं अपना खराब मूड लेके आगे बढ़ रही थी और मुझे अचानक ये भैया दिखे, तो ये भाई साहब जो कर रहे थे ये बेसिकली आर्चरी यानी तीरंदाजी कर रहे थे, पर इनका निशाना काफी अच्छा था, और इनको ऐसे ही निशाना लगाते हुए मुझे सच्ची बता मुझे किसी का याद आ गया, और वो है हाँ तो मेरा वर्डिक तो बिल्कुल ना है। तो आज का व्लॉग यहीं था, यहाँ पे मुझे बिल्कुल कुछ मजा नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं आया, जैसा लगा मैंने पूरा अपना पैसा बर्बाद किया। तो आप में से कितनों ने ये गोलीबाड़ मैदान का एक्वेरियम टनल विजिट किया है, अगर जो लोग नहीं किया है तो मैं उनके तो सजेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर आप बहुत ही लोकल हो या आपके पास कुछ और दूसरा करने का ये कुछ और है नहीं तो ही प्लीज यहाँ पे आओ। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इससे अच्छा एचए ग्राउंड वाला है मच 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 बेटर। तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।